नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज के लिए कुछ बहुत ही यूजफुल यानी अच्छी जानकारी लाया हूँ जो दोस्तों आपके लिए लाभदायक है और अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप भी एक जियो या एयरटेल या वोडा का सिम यूज करते हैं और दोस्तों आपको हर महीने पे करने पड़ते हैं 49 रुपये दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपको 49 रुपये बिल्कुल भी पे करने नहीं पड़ेंगे, और क्या है वो रीजन और क्या कारण है और क्या जो दोस्तों ट्रिक है वो क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लाभदायक है और अच्छा है दोस्तों। ऐसा क्या होता है कि दोस्तों हमारे यहाँ पहले तो 10 रुपये का रिचार्ज में आप सारा महीना कर देते थे, कोई कोई ऐसा अपने इंडिया पे है दोस्तों। और फिर भी जो ये कंपनी है सारा इतना इतना GST करके इतना सारा कुछ प्लान्स कर रही हैं, जिस कारण हमारा जो प्लान है वो बढ़ाती ही जा रही हैं, जिस कंडीशन में मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा, जिस कारण आपका जो रिचार्ज है वो बहुत ही सस्ते में होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही यूजफुल ट्रिक्स और वीडियोज लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप भी एक जियो या वोडाफोन या एयरटेल इस्तेमाल करते हैं और उन पर आपका जो प्लान है वो महंगे महंगे आपको देने पड़ते हैं और हर महीने आपको 49 रुपये पे करने ही करने पड़ते हैं? अगर नहीं करोगे तो आपकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही बंद कर दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो सारी सिमें सारी कंपनियां हैं आपके ऊपर धोखा कर रही हैं और आपसे पैसे बेवजह के लूट रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक जो मार्केट में न्यू सिम नहीं है दोस्तों, बहुत ही पुराना सिम है, शायद आपने उसका नाम भी सुना हो या ना सुना हो तो मैं बता दूं दोस्तों, उसका सिम जो का नाम है जो BSNL है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप BSNL यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी सिम है, बहुत ही अच्छे उसमें प्लान है, लाजवाब है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों BSNL के नेटवर्क की, दोस्तों नेटवर्क कैसा है। हालांकि मैंने पहले आपको एक बता दूं एक बात सबसे पहले, कि जो BSNL है वो दोस्तों 4G नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन में दो सिम यूज करते हैं और दोनों को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं दोस्तों, एक पे आप 4G डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक को ऐसी बात करने के लिए नॉर्मली रखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपका सिम जियो हो या फिर वोडा हो या फिर दोस्तों एयरटेल हो, आप चले जाइए नज़दीकी अपने एयरटेल सॉरी अपने BSNL ऑफिस पे या फिर BSNL के दुकान पे, कहीं भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप उनसे बोल दीजिए कि मेरा जो सिम है वो BSNL पे पोर्ट कर दीजिए दोस्तों। और BSNL के प्लान्स कितने सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप 150 रुपये में, खाली 150 रुपये में दोस्तों पूरा साल यहाँ पर आपको 150 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। और वहाँ पर एयरटेल में आपसे बहुत ही ज़्यादा रुपये ले लिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको 150 रुपये ही लगेंगे अगर आप जाते हैं वहाँ पर पोर्ट करवाने दोस्तों। अब कुछ मैं आपको इनके BSNL के प्लान से दिखा देता हूँ जो कि कितने सस्ते हैं एयरटेल और जियो और वोडाफोन के मुकाबले दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन या डेस्कटॉप शॉर्ट मतलब सॉरी अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अपने इस फोन पे के जरिए या आप किसी के भी जरिए आप अपना BSNL का एक नंबर डाल के वहाँ पर प्लान चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। एयरटेल वोडाफोन जियो के मुकाबले बहुत ही सस्ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एक BSNL का डालकर आपको उसके सारे प्लान से दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना लाभ मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, तो मैं सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने नंबर डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना? और मैं आपके BSNL के सारे प्लान से दिखा दूंगा और अपना नंबर जो ये मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों? और यहाँ पर जैसे ही मैं हाइड कर देता हूँ आपको यहाँ पर बहुत सारे ढेरों सारे प्लान्स मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं अनादर ऑपरेटर के मुकाबले दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है प्लान्स ओपन होने में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्लान्स ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब मैं आपको फुल टैक टाइम या अगर आप ज़्यादा का रिचार्ज करना चाहते हैं या कम का करना चाहते हैं सारा कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहले भी तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप 49 रुपये देकर एक महीना यूज कर पाते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में आपको बताऊँ यहाँ पर आप 75 रुपये पर अगर रिचार्ज करवाते हैं तो आपका 6 महीने चलेगा, बिना कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग बंद नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 23 रुपये में आपको वॉइस कॉल सारा कुछ है, इतना सारा कुछ मिल जाएगा 23 रुपये में। फुल टैक टाइम मैं आपको अनलिमिटेड रिचार्ज दिखा देता हूं, ठीक है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं सेम ऑपरेटर यहां पर बहुत ही सस्ता सस्ता प्लान्स है दोस्तों।
तो दोस्तों 3G 4G का डाटा आप यूज करना चाहते हैं तो आपको सिंपल से दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 98 में मिल जाएगा आपको 2 GB पर डे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 GB पर डे 24 दिन के लिए 98 के लिए। अगर आप यहाँ पर एयरटेल या वोडाफोन में कराते हो तो 250 से ऊपर पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ से यहाँ पर 200 का करवाओगे तो दोस्तों देख सकते हैं 54 दिन दोस्तों, 54 दिन आपको मिलेगा। और 548 में दोस्तों 90 डेज अनलिमिटेड डाटा पर 5G मतलब पर डे आपको मिलेगा दोस्तों। तो क्यों यार दूसरा सिम यूज कर रहे हो, BSNL में जाकर पोर्ट करवाइए और यूज कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और लाभदायक है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।